का चाहने वाला, उसने पैसे जमा किए कि मैं जाऊं उमरा करूं। कहता है जमा करने के बाद जैसे राह सफर हुआ, उमरे से ज्यादा ये तलब थी कि अपने छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जाफर सादिक की ज्यारत हो जाए। रास्ते में जा रहा था, जाते जाते एक दरिया से गुजर हुआ। इस दरिया के पास एक खातून है जो कपड़े धो रही थी, कपड़ों का बड़ा ढेर था। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया उसकी गुर्बत को देखकर, उसकी थकावट को देखकर, इतने ज्यादा कपड़े एक औरत धो रही है। रुक गया थोड़ी देर के लिए, जहन में आया कि रुक जाओ। एहसास जब बंदे में होता है ना, वो रुक जाता है। कर रुक गया, रुकने के बाद मैंने देखा कि उस पानी में एक मरी हुई बतख वहां से गुजर रही थी, एक मरा हुआ परिंदा। इस खातून ने दाएं बाएं देखा और उस बतख को लिया और कपड़ों के नीचे छुपा दिया। अब कहते हैं मुझ पे वाजिब हुआ, मुस्लिम कंट्री है और खातून एक मुर्दार क्यों उठा रही है? सवाल करो ना खुद से, ये मुआशरा गुनाह में क्यों जा रहा है? ये बदबख्तियों में क्यों जा रहा है? ये जिना में मुब्तला क्यों हो रहा है? अब आऊंगा उन बातों पे कि अगर हम अपने घरों को ऐसा ना बनाए, अगर फितरत को ना समझे, मुआशरा ऑटोमेटिकली गुनाह में चला जाता है। तो तुम मसूल हो इस मुआशरे के गुनाह के लिए, कम अज कम अपनी शिया सोसाइटी के लिए तुम मसूल हो। तो कहता एक मरतबा मैं उस खातून के करीब गया, मैंने कहा मुसलमान है? कहा किसकी मानने वाली हो? उसने कहा मोहम्मद मुस्तफा की। कहा मोहम्मद के बाद किसकी मानने वाली हो? कहती है कि अली इब्न मुर्तजा की। और उसके दिल में एहसास पैदा हुआ, कहा किस कबीले से हो और कौन हो? कहा मैं अलविया हूं, सैयद हूं। कहा कि सवाल यह है कि आपने, मैंने देखा पानी से एक मुर्दा बतख जा रही थी, उसको उठा के आपने कपड़ों के नीचे रख लिया? कहा मैंने रखा। कहा आपको नहीं पता कि मुर्दार का गोश्त खाना हराम है? कहा पता है। कहा फिर क्यों उठाया? कहा इसकी आंखों में आंसू आए और रोने लगी। कहा रो क्यों रही हो? कहा रोज घर जाती हूं और मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मा गोश्त कब खिलाओगी? 30 दिन में मेरे घर में 25 दिन गोश्त पके और गरीब महीने में एक दिन। ये मसूल है, हम मसूल हैं। सवाल होगा हमसे, यही तो सवाल है। इतनी थोड़ी आसान है कयामत, इतना थोड़ा आसान है हिसाब किताब के। अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, फरुद्दीन का क्या होगा? 9 दर्जे ईमान के हुकूक लिबाद हैं, उन हुकूक का क्या होगा? खुदा तुमसे सवाल नहीं करेगा। इसने कहा क्या मतलब? का रोज जाती हूं, मां हूं, मां का दिल नरम है। अब बच्चों का रोना देखा नहीं जाता, मैंने कहा आज उठा लेती हूं और बच्चों को भून के खिला दूंगी। इसने सोचा इमाम के साहबी उम्र पे जा रहा है, 10-10 मरतबा तू मौला हुसैन की जियारत करके आए, पर अगर ये किरदार रहा तो मासूम फरमाते बाज लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं पर कुरान उन पे लानत करता है, जियारत करते हैं पर यही जियारत उन पे लानत करती है। कि तुम एक दफा जियारत की, 2 दफा जियारत की, तुम्हें ये फिक्र नहीं कि माशरे में लोग भूख मर रहे हैं? चलो एक मरतबा किसी और को भी जियारत पे भेज दो ना। जियारत करना फख्र नहीं है, करबलाई बनना फख्र है, हुसैनी बनना फख्र है। मिसली ला युबायउ मिसले यजीद बनो, हुसैन जैसा जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि मुआशरा सुधर जाए। यही तो तबलीग और यही तो किरदार है हुसैन है कि सोसाइटी ऐसी बनाओ जो हुसैनी सोसाइटी हो, जिस सोसाइटी के वजूद में दर्द हो, जिस सोसाइटी में एहसास हो। अगर एहसास नहीं तो ये बंदा, ये इंसान नहीं है, ये हैवान है। तो इसने कहा कि मैंने एक मरतबा देखा कितने पैसे हैं, उम्रे के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा खातून आ, मैं तुझे लेकर देता हूं। कहा इतने साल से मैंने ये पैसे जमा किए थे, एक उमरा करूं और इमाम की ज्यारत करूं। मैंने कहा चलो उम्रे तो फिर भी होते रहेंगे, पैसे तो फिर भी जमा हो जाएंगे, लेकिन मैं एक इंसान को, मन अहया फक अन्नम अहया नास जमीहा, मैं एक को हिदायत दूं। मैं देख रहा हूं कि ये हराम में मुब्तला हो रही है और मैं कहूं मैं उम्रे पे चला जाऊं। मैंने कहा आ जाओ। जितने मेरे पास दिरहम थे मैंने कहा ये बताओ कि शोहर मर चुका है? कहा बेवा। कहा कि तुम्हारे शोहर का कोई दोस्त हो जो नेक और साले हो? कहा एक दोस्त है उसका जो बाजार में दुकान है, उसकी ताजर है। इसने कहा चलो उसके पास, मुझे लेकर चलो। अब देखो मदद कैसे करता है। हमारे यहां 1 लाख दिया जाता है, बोर्ड पे ऐलान होता है फलां साहब ने इतने दिए,
डेढ़ हजार किसी गरीब को देता हूं, मिन्नत करता हूं उस पर। फरमाया एक मोमिन की निशानी है, वो चाहे भाई हो बहन हो किसी के लिए। इमाम फरमाते मिन्नत न किया करो, यानी एहसास न जतलाया करो कि मैंने तुझे पढ़ाया था, मैंने तुझे फला जोक दिलवाई थी। फरमाया ये अहले बैत के चाहने वालों की सिफत नहीं है। तू मन्नानीन में से मत बन, अगर तुमने किया है तो अल्लाह के लिए किया है। किसी को एहसास मत दिलाया करो कि मैंने तेरे लिए ये किया। इस खातून को कहा मुझे उस दुकान पर ले चलो, दुकान पर ले गया। कहा आप थोड़ा दूर रह जाइए। कहा कि आप इनके शोहर को जानते हैं? कहा। अब देखिए यहां पर मसलहती झूठ, एक वो झूठ जो हम मजाक में बोलते हैं और बोलते जाते हैं, लेकिन इसने मसलहती झूठ बोला उसकी इज्जत को रखने के लिए। कहा देखिए इनका जो शोहर था वो मेरा बड़ा दोस्त था। अच्छा, सुना है आपका भी दोस्त था? कहा बड़ा अच्छा आदमी था। कहा उसने, मैंने उससे कुछ पैसे लिए थे, आज जब वापस करने आया हूं तो पता चला है वो मर गया है। अब रकम अच्छी खासी थी ना, क्योंकि उम्रे पे जा रहा था। अब फिर मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? कहा आपको पता है ये बेवा है, अगर ये पैसे मैंने इसको दिए तो ये थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर लेगी, फिर कल कौन आएगा इसकी मदद करने के लिए? तो मैं चाहता हूं आप एक कार्य खैर में शामिल हो जाए। आपका दोस्त था। कौन सा कार्य खैर? का ये पैसे मैं आपको देता हूं, आप इन पैसों से काम करिए, जो उन पैसों से नफा हो आप इस खातून को दीजिए। मदद की मदद की, अकड़ की अकड़ मार दी अपनी, कि ये भी ना हो कि दुनिया को बताऊं कि मैंने इसकी मदद की, यानी उस पर एहसान नहीं जतलाया। का इसके शोहर के पैसे थे और मैंने सुना आप मुत्तकी और परहेजगार हैं, आगे से कोई भी मसला हो आप मुझसे राब्ता करिएगा, इस खातून के महीने का खर्चा चलता रहे। कि इमाम फरमाते अगर सीधे हाथ से दे रहे हो तो तेरे उल्टे हाथ को पता न चले। 20 साल से अली यतीमों को खाना देते रहे, लेकिन यतीमों को कब पता चला? जब 3 दिन घर में खाना नहीं गया तो पता चला ये जो खाना देने आता था ये अली, ये मुर्तजा थे। और ऐसी मोहब्बत यतीमों के दिल में कि इमाम हसन फरमाते हैं जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा एक बेवा खातून है, दोनों हाथों में 2 यतीम बच्चे हैं, यतीमों के हाथ में प्याला है। इमाम ने कहा यहां क्या करने आयो? कम मौला मेरे यतीम बच्चे अली के लिए दूध लेकर आए हैं। का क्यों दूध लेकर आए हो? का सुना है हकीम ने कहा अली को दूध की जरूरत है, तुम क्यों आए हो? का मौला 3 दिन तक पता नहीं था कि अली रात के अंधेरों में आते थे, आज बच्चों को पता चला कि अली थे जो रात के अंधेरों में दस्तक देकर हमें गजा देकर और खाना देकर जाते थे। का फिर क्या हुआ? का मौला मेरे पास एक ही ऊंटनी, उसका दूध निकालती हूँ बेचती हूँ और उसी दूध के बेचने के जो पैसे आते हैं उससे रोटी खरीदती हूँ बच्चों को खिलाती हूँ, आज जब दूध निकाल ले गई बच्चों मेरे कदमों पर गिर गए। अम्मा आज दूध न निकालना, बच्चों दूध नहीं निकालूंगी, क्या खाओगे क्या पियोगे? रोकर कहने लगे अम्मा हकीम ने कहा अली को दूध की जरूरत है, भूखे रहेंगे। यही यतीम थे जो बाद में बड़े हुए हसन के सहाबी बने, यही यतीम थे जो बड़े हुए हुसैन के सहाबी बने। इस तरह इमाम ने माशरे साजी की, इस तरह इमाम ने माशरे की और विलायत की बिल्डिंगों को बनाया। तो कहता है कि मैंने मदद करके और चला गया। कई सालों के बाद अल्लाह ने फिर रिज्क दिया, अल्लाह ने फिर मुझे नवाजा कि तुम 1-2 खुदा 10 देता है। ये ईमान होना चाहिए इंसान का, रिज्क देने से कम नहीं होता, ये तो माल है दुनिया में रहता है। असल रिज्क रिज्क अबदी है, कि जब वहां जाओ। इमाम फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में अमीर होते हैं और आखिरत में फकीर होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में फकीर होते हैं आखिरत में अमीर होते हैं। तो अल्लाह को कहेंगे खुदाया मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अल्लाह कहेगा जितना तूने वहां दिया था इतना मैं तुझे यहां दूंगा। तो जैसी सखावत, अब कहता कई सालों के बाद मदीने गया और जैसे गया तो उमरा किया, उस करने के बाद अपने छठे इमाम से मिलने गया। जैसे इमाम के मोहल्ले में पहुंचा तो मैंने देखा मौला अपने असहाब के साथ अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, बताया भी नहीं था कि मौला मैं आ रहा हूं, दरवाजे पर खड़े हैं। और जैसे इमाम ने मुझे देखा बाहों को फैलाए और कहा आ जाओ मेरे हाजी, मेरे सीने से लग जा। कभी कभी